जी भाई लोग एम आई विजिबल एंड ऑडिबल जस्ट ने मी सेंड योर कॉर्पोरेट फंडिंग का लिंक ऑन योर ग्रुप जस्ट गिव मी अ मिनट क्या हालचाल सब लोग यार One minute, i almost there. जस्ट दिन आई जस्ट चेंज दिस गुड इवनिंग एवरीवन यार क्या हाल चाल सब लोगों को बहुत 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 बधाई हो। जो लोग सी एस क्लियर कर चुके हैं और सी एस प्रोफेशनल में आ गए आप सब लोग को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ एंड मोस्ट वेलकम टू द फाइनल लेवल और मेरे हिसाब से मैं अब कुछ ही दिन की बात है और उसके बाद मतलब वी हैव टू कॉल यू एंड टेक यू अपॉइंटमेंट कि मैम या फिर साहब कब आपसे बात कर सकते हैं एक बार प्लीज अकेडमी आ जाओ यार एक बार सारे बच्चों से बात कर लो और बता दो कैसे आप सीएस बने तो आई रियली होप कि दिस बैच बिकम योर फाइनल बैच जहां पे बस एक बार वन लास्ट टाइम यू गिव इट ए शॉट एंड यू बिकम अ सेक्रेटरी सुपर सुन गुड इवनिंग एवरी यार खैर मेरे बारे में आप सब लोग जानते होंगे बिकॉज आई बिलीव की ऑलरेडी um, एक बार आप एग्जैकेटिव में मुझसे पढ़ चुके हो गए एक्जैकेटिव के बाद अब आप प्रोफेशनल में आ चुके हैं दिस टर्न्स आउट टू बी अ ग्रेट फीलिंग जहाँ पे आप ही के बहुत सारे एग्जैकेटिव के बच्चे अभी अभी बस बहुत 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 ग्रुप क्लियर करके आए हैं एंड दे वेंटर्स एस प्रोफेशनल एंड यू नो एट द सेम टाइम वी हैव दिस ग्रेट फीलिंग की आप सब लोग इतना जल्दी कहाँ से आए थे जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बनते गए अभी इवेंचुअली uh, थोड़ी देर पहले मैं भैया से बात कर रहा था मैं बोल रहा था कि ये कुछ टाइम पहले एग्जैकटिव में थे अभी टर्न किया प्रोफेशनल में आ गए हद हाँ से ज़्यादा जल्दी हो रहा है यार मतलब प्रॉबली ये सबसे बड़ा डिस्टेंस था इस बार के बैच का कि एक बीच में कोविड की वजह से रिजल्ट्स डीले हो गए आपके एग्जाम्स डिले हो गए तो एक थोड़ा सा स्केल ज़रूर शिफ्ट हुआ थोड़ा सा एक टाइमलाइन शिफ्ट हुआ बट आई थिंक ऑल वेल वैन एनज़ वेल तो आई वेलकम यू ऑल टू यस अकेडमी मेरे हिसाब से सुबह के आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं और बाई फार आई बिलीव मेरा लास्ट लेक्चर है जो आप अटेंड करने वाले आई एम ग्लैड टू सी यू वे हैव खैर एनी वन हुज़ सींग मी फॉर द फर्स्ट टाइम आई आई एम चिराग आई एम चिराग सुटरानी फ्रॉम येस अकेडमी आई बीन विद दिस अकेडमी फ्राम डे वन ऑलवेज डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट कॉरपोरेट फंडिंग इन लिस्टिंग फ्रॉम डे वन जब से सब्जेक्ट लॉन्च हुआ तब से इसको पढ़ा रहा हूँ और आज भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है जो आप लोगों ने अपने सेकेंड ग्रुप में विकास बेह से पढ़ाए बस उसी का हल्का सा एक थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन अपन लोग प्रोफेशनल में आगे देखेंगे सर डज दैट मीन कि विकास सर जैसा ही पढ़ाओगे यार ऑब्वियसली विकास जैसा कोई नहीं हो सकता तो वी आर नॉट कंपेयरिंग विथ हिम वो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ है बट येस आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको इस सब्जेक्ट से भी उतना ही प्यार हो जितना सिक्योरिटी लॉस से सेकंड ग्रुप में प्यार था एनी वन आउट हीयर जिन लोगों को सेकंड ग्रुप में सिक्योरिटी लॉस से डर लगता था या सब ही प्यार था सिक्योरिटी लॉस से दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो वन एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम आई बिलीव वी शुड फर्स्ट डिस्कस समथिंग डिफरेंट बिफोर वी स्टार्ट आर लेक्चर बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें मेन लेक्चर्स में चलती रहेंगी अच्छा एक सेकेंड एक चीज़ बहुत क्लियर है दैट वी वुड भी स्टार्टिंग आर बैच आफ्टर फ्यू डेज आई विल भी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट मंथ नवंबर में मैं आपको बैच स्टार्ट करूँगा आई हैव माई करेंट बैच इज गोइंग ऑन तो आई हैव कम ओवर फॉर द डेमो पोस्ट द डेमो आई वुड सी यू बैक अगेन इन नवंबर Uh, बस स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में आ जाएंगे जैसे सारे बैचेस खत्म हो जाते हैं प्यार था सिक्योरिटीज़ बस तो बस प्यार था तो फिर क्या टेंशन है तो मतलब प्यार आगे बढ़ेगा अब अब बस प्यार हद से गुजर जाना है चलो ठीक है लेट मी शो यू हाउ माय अप्रोच इज टू वर्स फंडिंग एंड लिस्टिंग वी हैव अ बिट डिफरेंट अप्रोच एज अगेंस्ट एनीथिंग एल्स लेट मी एक्सप्लेन यू योर एंटायर पोर्शन लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी गो अबाउट इट सर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग अगर आप आपके uh, मॉड्यूल पे सबसे पहले आते हैं तो दो नो मॉड्यूल्स प्लीज जस्ट ज्वाइन इन ओवेयर आई शो यू सो वी हैव द मोस्ट रिसेंट मॉड्यूल ओवे सर मॉड्यूल थ्री के अंदर आपका कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग सबसे मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है जितना मुझे लगता है एज अगेंस्ट एम सी एस इन्सॉल्वेंसी इंसॉलवेंसी भी इंटरेस्टिंग है बट कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग हैज़ अ सेपरेट फैन बेस एकदम नेक्स्ट लेवल फैन बेस है इसका भाई सर अगर आप अपने मॉड्यूल के स्टार्ट में आए तो ये दो पार्ट्स के अंदर आपको दिया हुआ है आपकी बुक का नाम पढ़ें बुक का नाम क्या रहा है कॉर्पोरेट फर्स्ट फंडिंग एंड लिस्टिंग तो सर ये दो पार्ट्स में पार्ट ए में वे टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट फंडिंग पार्ट बी में वे टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग जब आप लिस्टिंग की बात करोगे तो लिस्टिंग इज अगेन ऑफ ऑन टू साइड्स लिस्टिंग, in India, लिस्टिंग इन इंडिया लिस्टिंग आउटसाइड इंडिया तीन चीजें इन टोटल अपने को देखनी है सर सबसे पहला एक कॉर्पोरेट कैसे फंडिंग रेस कर सकता है दैट इज पार्ट बी के अंदर इट पे बात कर, कर रहा है दो लेवल पे बातें कर रहा है. सर कौन सी, दो लेवल पे कर रहा है? In बस सी अपने को इस बुक के अंदर पढ़ना है अब सर देखो वरदान क्या है वरदान कुछ ऐसा है कि जब आप अपने पार्ट ए पे आते हैं यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट फंडिंग का पार्ट है ठीक है वो है साठ नंबर का वो है साठ नंबर का और यार बेहद 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 प्यारा है सर कैसे बेहद प्यारा है क्या आप लोगों ने अपने सिक्योरिटी लॉस के अंदर आईसीडीआर पढ़ा था आईसीडीआर को ही वापस से रिवाइज किया आईसीडीआर को ही वापस से रिवाइज किया एंड गिवन यू इंडियन इक्विटी प्राइवेट या इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग दैट इज योर आईसीडीआर एंटायर आईसीडीआर नथिंग एल्स ठीक है सर उसके बाद आपको वो लोग आगे लेके गए उसके बाद उन लोगों ने आपको दिखाना है कि भैया रीड क्या होती है मैं आपको एग्जैक्ट चैप्टर के नाम पर ले जाता हूं हाँ सेकंड चैप्टर में आपको रीट पढ़ाएंगे नाउ दिस इज एंटायरली अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू आप लोगों ने अभी तक रीट इतना ज्यादा नहीं देखा होगा इन डिटेल सो दिस इज समथिंग न्यू जो देखने में बहुत मजा आता है इवेंचुअली हमारा जो आज का डिस्कशन है दैट इज ऑन रीट ओनली दैट इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज योर सेकेंड चैप्टर जी सर इसके बाद यू गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आप सर देखें सबसे पहले मैं आपको फंडिंग का एक तरीका दिखाते हैं आईसीडीआर के फॉर्म में दैट इज एक कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है हाउ डू द रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक वाया आई वाया एफ वो सारे फॉर्मेट्स वो आपको आईसीडीआर में दिखाते हैं उसके बाद वो सेकेंड आपको फंडिंग का तरीका दिखाते हैं भाई रीट आज के टाइम में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करती है और कैसे स्पॉन्सर करती है लोगों को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सर इसको रीट आता है उसको ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आता है अगर आपको रीट आता है तो आपको ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट आएगा 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 मतलब आएगा एग्जैक्टली सेम 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 टाइम के रेगुलेशन तरीके से गवर्न होता है सब कुछ सेम है बस फर्क क्या होता है इनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में जहां रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है दैट इज जस्ट द बिगेस्ट डिफरेंस सर रेस्ट एवरीथिंग सेम रेस्ट एवरी थिंग सेम द वे दे गिव रिटर्न द वे दे चार्ज पेनल्टीज द वे दे आर गवर्न द वे दे आर मेड एवरीथिंग इज सेम एवरीथिंग इज सेम तो सर जैसे ही आपका सेकेंड चैप्टर खत्म होता है ऑटोमेटिकली आपका थर्ड चैप्टर सात में खत्म हो जाता है देन आपने सर इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग देख ली है अब वो आपको दिखाता है कि प्राइवेट फंडिंग में आप कैसे पैसा रेज कर सकते हो तो यह जो आपके सारे वी सी एफ के रेगुलेशन है वो यहां आ जाते हैं वेंचर कैपिटल फंड ए आई एफ वो इधर आएगा आपके पास ठीक सर अब सर एक से नोटिस करना हाउ आर दे रनिंग हाउ आर दे रनिंग फर्स्ट स्टार्टेड विद टेलिंग यू पब्लिक फंडिंग जो आईसीडीआर के फॉर्म में थी देन दे वेंट टूवर्ड्स टेलिंग यू अलग अलग तरीके की बॉडीज रीट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट वो कैसे पैसा रेस करती है और कंपनीज में या फिर जगहों पे इन्वेस्ट करती है थर्ड नाउ यू शिफ्टिंग डाउन थर्ड यू शिफ्टिंग डाउन टू प्राइवेट फंडिंग अब वो आपको बोल रहा है कि यार मैंने पब्लिक फंडिंग सिखा दिया प्राइवेट फंडिंग सिखा दिया नाउ नाउर ट्राइंग टू टेल यू इज नाउ दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि सर सर नॉन नॉन फंड फंड बेस्ड बेस्ड फंडिंग क्या होती है सर, में भी तो आप देते हो जैसे फॉर एन की बोनस सर बोनस इश्यू में भी कंपनी तो यही दिखाती है ना भाई कि उसने शेयर इश्यू किए बट दैट इज अ नॉन फंड बेस्ड सो नाउ दैट इंडियन इक्विटी विच इज नॉन फंड बेस्ड जिसके अंदर आप ईसॉप e पढ़ते हो जिसके अंदर आप बोनस शेयर्स पढ़ते हो वो इस चैप्टर में आता है तो सर अगर आपने अपने पहले पांच चैप्टर देखे तो सबसे पहले उन्होंने प्राइवेट फंडिंग दिखाई अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों में पैसा आया और दोनों में आपने इक्विटी दी तो फिफ्थ चैप्टर में बताया कि इक्विटी भी दी पर इस बार पैसा नहीं आया इसको आप कहते हो नॉन फंड बेस्ड मैं इसका पूरा डिटेल चार्ट बनवा फिफ्थ चैप्टर तक आप लोग को यह समझ में आया कि सर पब्लिक फंडिंग प्राइवेट फंडिंग किस तरीके से हो रही नॉन फंड बेस्ड फंड बेस्ड फिर आया के आया डेट के ऊपर दिया जहां पे मतलब आज आज की बात होती। फंडिंग, इंडियन फंड बेस्ड मतलब इंडिया के कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन लोग डेट रेस करते हैं फर्क क्या है ऊपर कॉर्पोरेट डेट यानी कि जब कंपनी कोई डेट रेस करती है उसके बारे में बात होती है और जबकि नीचे गवर्नमेंट डेट गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है एंड बैंकिंग फाइनेंस की बात होती है एट में अगेन डेट का भी नॉन फंड बेस्ड कि कौन सी डेट में आप नॉन फंड बेस्ड की बात करते हो जिसमें आप बैंक uh, गारंटी की बात कर सकते हैं एक बैंक गारंटी के अंदर आपको कोई फंड नहीं मिलते लेटर ऑफ गारंटी के अंदर कोई फंड नहीं मिलते स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर कोई फंड नहीं मिलते सिर्फ आपके पीछे एक लेटर लगता है बैंक कहती है कि इसके पास पैसा है जहां पे भी ये जा रहा है एक फॉर एन एग्जाम्पल अपन आज बात करते हैं मैं इंडिया से यू गया खैर यू नहीं जाऊंगा मैं चाइना जाऊंगा आई आई वॉन्ट टू बाई सम मशीन ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव द एंटायर फंड राइट नाउ विथ मी एंड आई वॉन्ट टू रेज ई सी बी एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरिंग करके ही मैं वहां से सामान लेके आऊंगा सर वाई वुड द बैंक ओवर देयर गिव मी फंड डू दे नो मी नो वहां का बैंक क्या बोलेगा तू इंडिया, जा। इंडिया जाने कि कि चेक किया है, कि तेरे पास इतना पैसा है अगर वो हाँ बोलता है कि तेरी इतनी वर्थ है तो हम तेरे को देंगे फंड नाउ इन दिस एंटायर ट्रांजेक्शन प्लीज सी फॉर दिस इन दिस एंटायर ट्रांजेक्शन डेट हैज बीन रेज इन दम ऑफ इसी बीस बट इंडियन बैंक हैज गिवे एनी फंडर देव गिवन बैंक गारंटी फॉर्म ऑफ डेट फंडिंग वेर एन दिसम ऑफ डेट फंडिंग वेर एन नो फंड मोबिलाइज इंडियन बैंक हैज बीन कीपिंग इट जस्ट विदर दैट हां भाई इस बंदे के पास पैसा है खत्म इसको आप बोलते हो इंडियन नॉन फंड बेस्ड सर आठ चैप्टर की बात हुई अपनी अगर आपको पहला चैप्टर समझ में आया पब्लिक फंडिंग सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर रीट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट उसके बाद प्राइवेट फंडिंग की बात करी फिर उसने नॉन फंड बेस्ड तो पहले पांच चैप्टर्स इक्विटी में थे रीट भी लिस्टेड होती है राइट रीट भी लिस्टेड होती है बता रहा हूं पूरी बात वो पहले पांच चैप्टर्स पूरे के पूरे आप लोगों ने क्या करी सिंपल इक्विटी के ऊपर बात करी उसके बाद सिक्स चैप्टर में उसने डेट की बात करी कॉरपोरेट डेट सेवेंथ में उसने गवर्नमेंट डेट की बात करी और एट्थ में वो आया नॉन फंड बेस्ड डेट देखने सेम रेजीम चल रहा है अच्छा सर इक्विटी हो गया डेट हो गया फंड बेस्ड इक्विटी हो गई नॉन फंड बेस्ड इक्विटी हो गई नॉन फंड बेस्ड इक्विटी हुई फंड बेस्ड डेट हुई नॉन सिखाएंगे हमारे फाइनल के बच्चों को दैट हाउ डू यू गो आउटसाइड इशू एडीआर जी डी आर ईसीड रेस फंड फॉरन फंडिंग के अंदर कहीं पर भी देखो इक्विटी या डेट का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर आपको एफसीसीबीज भी पढ़ना है FCBs भी पढ़ना है एडीआर जी डी आर भी पढ़ना है आपको इसके अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने जो मोस्टली एक कंपनी जब इंडिया के बाहर जाती है मोस्टली एक कंपनी जब इंडिया के बाहर जाती है और वो पैसे रेज करती है दैट वुड बी हेयर इन फॉरन फंडिंग एंड ऑलमोस्ट टूवर्ड्स दी एंड अब वो बोलता है अदर बोरेन टूल्स हम आपको सिखाएंगे कि भैया चलो ठीक है ये सब तो हो गए क्या इसके अलावा भी कोई और तरीके होते हैं जैसे इंटर कॉरपोरेट लोन एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जिसको इन लोगों ने अदर टूल्स के अंदर अंदर डाला है इसके अपने को इंटर कॉर्पोरेट लोन्स पढ़ने हैं सीपी पढ़ने हैं कमर्शियल पेपर्स ये सारी चीजें आप पढ़ोगे आपके चैप्टर में में अब पार्ट ए दो चैप्टर्स और बचते हैं पार्ट ए में दो चैप्टर्स और बचते हैं जिसमें बहुत सिंपल इलेवन चैप्टर है आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स यू हैव एंड दैट इज एनसीआर ठीक है नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस कुछ भी नहीं सिर्फ आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में सिखाया है अच्छा सी प्रेफरेंशेज आर ऑलवेज रिडीमेबल एंड दीज आर नॉन कन्वर्टेबल रिडियोल प्रेफरेंशेज एनसीआरपीएस अ वेरी स्मॉल चैप्टर हार्डली टेक्स वन लेक्चर टू टू लेक्चर टू फिनिश ऑफ दिस एंटायर चैप्टर अभी आपको प्रेफरेंशेज के ऊपर सिखा रहा है एंड आपका लास्ट चैप्टर है सिक्योरिटाइजेशन ट्वेल्थ इज सिक्योरिटाइजेशन आई बिलीव सिक्योरिटाइजेशन आपने अपने सेकेंड uh, ग्रुप में या फिर अगर आप मेरी स्टूडेंट थे तो सिक्योरिटाइजेशन आपने हंड्रेड परसेंट से पढ़ा होगा जहाँ मैं आपको सार्फेसी एक्ट के बारे में बताता था कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल क्या होता है जस्ट एस ए लुकरेटिव एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अंक अच्छा इफ यू डू नॉट नो दिस प्लीज बी वेल अवेयर इशू लोन वाइल दे गिव यू मनी दे काउंट यू एज योर एसेट्स आप उनकी एसेट्स हो बिकॉज आप उनको टाइम टू टाइम रिटर्न दोगे तो बैंक जब आपको पैसा देता है तो आप उसकी रिटर्न हो आप उसकी एसेट हो टिल द टाइम यू टाइमली पेंग ऑफ द ई एम आईज till the time you're timely paying off the AMIs. What is happening? You are their performing asset. You are their performing asset. You're performing for them. As soon you start bouncing your AMIs, you do not pay money, you're not getting fined out, uh, not in the radar of the bank, you become NPA. Non-performing asset. See, the core business of the bank is to give you money, take back returns and end.

The NPAs of a bank increase its performing assets. Within six months, the bank should, uh, you know, wrap up their business and wind up. So the banks are really worried. zada time NPAs nahi rehne balance sheet At the same time, they might have to move towards shut down their business. So they are always worried, and for this reason, securitization has stepped in between. जहां पे एक अट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बीच में आती है जहां पे एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बीच में आती है प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स से पैसा लेके आती है आके बैंक को तो बोलती है सर कितना एनपीए आपका हूं? उसने बोला तीन हजार करोड़ का एनपीए मेरा ये देखती किस किस का है है उसके उसके बाद वो ऊपर डिटेल रिसर्च करती है कि ये किन किन से रिकवरी कर पाएगी किन किन से नहीं कर पाएगी क्या रिस्क है एंड बेस्ड ऑन दैट वो बैंक को एक प्रपोजल देती है कि सर तीन हजार करोड़ का एनपीए मेरे को दो करोड़ में दे दिया जाए या फिर प्रॉब्ली जो उनकी सब्जेक्टिव डील है दे दे वुड वुड फाइनलाइज कि भैया ये इस अमाउंट पे हमने एनपीए परचेज कर लिया बैंक के लिए बहुत अच्छा है उनका एक बार में क्लियर हो गया उनका एनपीए पूरा क्लियर हो गया द बैलेंस शीट इज क्वाइट क्लियर जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है दे आर रियली हैप्पी बिकॉज नाउ जब उनके पास वो एसेट आ गई है नाउ दे कैन रिकवर और अगर उन लोगों ने जल्दी से सब रिकवरी कर ली तो इन नो टाइम दे वुड बी सो मच मनी तो अगर उन लोगों ने तीन हजार करोड़ की चीज दो हजार करोड़ में खरीदी है उनके पास विंडो है हजार करोड़ कमाने का गुड चांस रिकवरिंग लॉट अर्निंग अ लॉट अपने इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा और ए आर सी को भी फायदा होगा असेटरी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिस इज द एंटायर फंडा ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ये बारह चैप्टर मिलकर आपका पार्ट ए बनता है जो आपको साठ नंबर देके जाता है सिक्सटी मार्क्स

इंटरनेशनल लिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आईपीओ पहली बात आपका पार्ट टू चालीस नंबर का है आपका पार्ट टू चालीस नंबर का है और इसकी बेस्ट सेकेंड चीज इसका जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है यानी कि प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर आईपीओ एंड गवर्नेंस रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन दोस्त ये ऑप्शनल चैप्टर्स हैं ये रीडेबल चैप्टर्स हैं यानी कि इंस्टीट्यूट ने कहा है कि दीज आर नॉट मैंडेटरी चैप्टर्स आप लोगों को सिर्फ इसको रीड करना है ऑब्वियसली वी डू इट इन डिटेल बिकॉज आपको पता है अपना इंस्टीट्यूट उदय शेट्टी है अपना इंस्टीट्यूट क्या है उदय शेट्टी क्या है कौन है कहां बैठा है कुछ भी कर सकता है इसका दिमाग खराब हुआ है कुछ भी करेगा तो वी कैन नॉट टेक रिस्क ऑब्वियसली तो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट वी वुड बी डूइंग ऑल द चैप्टर्स बट ये वरदान है मतलब जो भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि दे वॉन्ट टू स्कोर मोर इन कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग योर पार्ट बी

I am going to come up and I am going to uh, announce the entire results what we have scored this time. Uh, but just to bring on records, I believe that this bar ka corporate funding and listing ka jo highest score raha hai, wo 83 raha hai. Hamari class mein do logon ko corporate funding and listing mein 83 aaya hai. एक को 79 आया एक को 77 आया तो हमारे जो top फोर हैं वो हैं 83, 83, 79, 77 in corporate funding and listing. So I believe बिलीव जितना मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में सबसे The score here. So we are really happy. Again, not our work. It's their work, and should always be their work. I have not even posted that, uh you know we have done it or something like that. It's their work. A teacher does not score 83. Trust me on this. A teacher never scores 83. It's the student who works for it. So it's just you know a suggestive pathway from our end. But 83 is work of the student and not of the teacher. Now, just to see over here, I wanted to show you something over here. चैप्टर फिफ्टीन प्रिपेरिंग अ कंपनी फॉर एन आई पी ओ सर प्लीज सी दिस वो है क्या लिखा हुआ इसमें नोट दिस लेसन हैज बीन गिवन टू स्टूडेंट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली दिस लेसन हैज बीन गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली सो चैप्टर फिफ्टीन इज फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली

इज़ इट रियली लाइक दैट कि चैप्टर फिफ्टीन और सिक्सटीन नहीं आता सर इंस्टीट्यूट को हमको पसीना निकाल के बहुत मजा आता है मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट में इन्विजिलेटर्स इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जब बच्चों की फटी होती है ना और मुंह पे यहाँ पे ऐसे ऐसे पसीने की टिप गिरती है सर हमें बहुत मज़ा आता है तो ऐसा दो तीन क्वेश्चन ज़रूर डालना जहाँ फट के चौहत्तर हो तब सर मजा आता है तो इंस्टीट्यूट की भाई ये जो सारे इन्विजलेटर्स की रिक्वेस्ट होती है तो इंस्टीट्यूट हमेशा आखिरी में सरप्राइज देता है ऐसा और जो चीज वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और एंड में वही क्वेश्चन तुम्हारे मुंह पाकर खड़ा होता है और पीछे जब आ जाती है ए ए ए फसा बस यही होता है सर तो इसीलिए आई एम श्योर कि चैप्टर 15 और 16 से क्वेश्चन आएगा देर इज नो नल टू इट चैप्टर 15 और 16 से क्वेश्चन आएगा सो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर वी एन नॉट गोइंग टू लीव इट इट इज गोइंग टू बी डन नाउ अंडरस्टैंड वट इज अप्रोच वॉट इज आर अप्रोच हाउ डू वी गो अबाउट दिस मेरे कोई भी प्रीवियस स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं अगर आप में से कोई भी टच में है तो ऑलरेडी अभी एक आ, बैच चल ही रहा है फंडिंग का बैच भी अभी भी खत्म हुआ है और जी आर एम सी इज इन इन द लास्ट टू चैप्टर्स बहुत क्लियर बहुत सिंपल तरीका है मेरा काम करने का और हम इसी पे चलते हैं वॉट वी डू इज वी स्टार्ट द चैप्टर वी स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट विथ लेक्चर्स ठीक है नाउ प्रोबली प्रॉब्ली एंड एक्सटेंसिव एकदम 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 एक्सटेंसिव डिस्कशन इज डन सो लेट्स ए रीड तो रीड के लिए हम लोग पहले से अलॉट करके रखते हैं कि कितने लेक्चर्स जैसे रीड के लिए आई आईव अलॉटेड एट लेक्चर्स ठीक है एट लेक्चर्स नाउ वंस यू डन विथ योर एट लेक्चर्स वी डू नॉट एंडेड ओवेर वी डू नॉट एंडेड ओवर है आठ लेक्चर्स के बाद आठ लेक्चर्स के बाद हमेशा हर चैप्टर के एंड में होती है आंसर राइटिंग हर चैप्टर के एंड में होती है आंसर राइटिंग जो लोग मेरे ड्राइव लेक्चर्स पे भी हैं और जो लोग यहां से ड्राइव पे भी जाने वाले हैं आई मेक इट वेरी क्लियर दैट आपके हर चैप्टर में एक सेपरेट आंसर राइटिंग का वीडियो होगा आंसर राइटिंग में सर हम क्या करते हैं आई गिव आई टेल यू आज तक के एंटायर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताता हूं वी डिस्कस दो ई मेक यू मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस अटैम्प्ट जो अब हम देने जा रहे हैं जो अब हम देने जा रहे हैं यानी कि जून दो हजार बाईस के लिए जो अब सारे सबसे अटेम्प्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे we'll mark दो. जो क्वेश्चन जो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं वो हम वहीं के वहीं लिख लेते हैं दैट्स आउ वी वर्क दैट्स आउ वी वर्क सो एवरी लेक्चर वुड बी अ डिटेल एक्सटेंटिव डिस्कशन ऑफ द चैप्टर फॉलोड बाई आंसर राइटिंग फॉलोड बाय आंसर राइटिंग प्रिटी सिंपल प्रिटी सिंपल अप्रोच नाउ

ऑफ़ 2019 थाउजेंड नाइनटीन जो आ, अभी रिसेंट टाइम में जून के लिए अवेलेबल था एक सिर्फ उसका एक ऐसे ही पेपर लिया है अपन ने देखने के लिए सर अब देखें मैं आपका ना पार्ट ए की बात नहीं कर रहा मैं आपको आपका सबसे क्लियर इजी भविष्य दिखा रहा हूं कि आप कितना इजीली स्कोर कर सकते हो सर आपका पार्ट बी देखना यहां से पार्ट बी स्टार्ट होता है सर पार्ट बी के अंदर सर दो चैप्टर्स हैं जो मेन है सर दो चैप्टर कौन से मेन है सर एक है इंडियन लिस्टिंग दूसरा है फॉरेन लिस्टिंग सर चालीस नंबर हा चालीस नंबर पार्ट बी सर ये आपको पास करवाने के लिए ही बना है दिस इज जस्ट टू मेक यू क्लियर दैट्स इट द इज नो अदर ऑब्जेक्टिव लेट्स सी स्ट्रेट अवे देव आज यू एलओडीआर रेगुलेशन थर्टी नाइन एलओडीआर रेगुलेशन थर्टी नाइन दैट्स इट इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेट एंड रिसीट फॉर सिक्योरिटीज ठीक आ जाए सर हाफेडली कंप्लायंस कैलेंडर फॉर लिस्टेड एंटिटीज क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग ऑन सिंगापुर एक्सचेंज दिस इज दिस इज चैप्टर थर्टीन चैप्टर थर्टीन दिस इज चैप्टर फोर्टीन इंटरनेशनल ठीक है इन्फॉर्मेशन डिस्सेमिनेशन थ्रू वेबसाइट अज्यूम सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड कंपनीज सर एल ओडीआर चैप्टर थर्टीन चलो और इसमें कंपनी की वेबसाइट के ऊपर बात करनी थी सर एक बात देखिएगा आपके इसमें बीस नंबर तैयार हो चुके हैं और बीस नंबर में से पांच दस और पंद्रह पंद्रह नंबर है चैप्टर थर्टीन से और पांच नंबर है इंटरनेशनल लिस्टिंग से कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं बीस नंबर इतना इजी और सर बहुत सिंपल है खाली रेगुलेशन थर्टी नाइन इट्स हार्डली अ वन पेज आंसर आप दूसरी तरफ भी टर्न नहीं कर पाओगे हाफेडली कंप्लाइंसिस इतने लिमिटेड होते हैं एस के जो बहुत ऐसे ही खत्म हो जाते हैं राइट डाउन द क्राइटेरिया टू गेट लिस्टेड ऑन एस वेरी स्मॉल सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है सर इसके बाद नीचे देखते हैं अब यहां से आया यहां से आया द प्रोविजन ऑफ सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 shall not be नॉट बी एप्लीकेबल टू instruments डेट perpetual एंड cumulative नॉन listed by लिस्टेड बाय I told आई टोल्ड यू दैट दे वुड कम somewhere डिफरेंट थोड़ा सा मैच करते हुए तो दिस इज नॉट प्योरली एल बट इट हैज एसेंस ऑफ एल ओडीआर एंड एट द सेम टाइम इट हैज सम ए और उसने मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया ठीक है आई पी ओ बींग वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट मिसकैल्क्युलेशन ऑफ एनी नेचर कैन क्रिएट अ हर्डल फॉर कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ कीपिंग इन दिस माइंड लिस्ट आउट द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स दैट के एम पी शैल कंसिडर वाई एल प्रिपेयरिंग फॉर एन आई पी ओ वॉट द डिड ये अपना देखो इंस्टीट्यूट का है ना बहुत ही चिल है बहुत ही चिल है पहले उसने बोला था दैट प्रिपेयरिंग अ कंपनी फॉर एन आई मैं कभी नहीं पूछूंगा और नीचे बोला भी था इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज और फिर वो एग्जाम में आया और उसने कहा इन्फॉर्मेशन <laughs> <laughs> के बोला था तो पढ़ने का था ना ब्रो मैं क्वेश्चन पूछू नहीं पूछू सेकेंडरी पर मैं बोला था ना इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बोला था ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ऐसा कब बोला कि मैं कभी पूछेगा कि नहीं

डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन दिस लेसन हैज बिन गिवन फॉर ओनली इंफॉर्मेशन पर्पज टू मेक अवेयर द स्टूडेंट्स अबाउट द वेरियस डॉक्यूमेंशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट फिर ऐसा तुम्हारे ऊपर वो जोर से ऐसा है इस बार और इस बार तुम्हारा पसीना टपका है क्योंकि पहले 20 नंबर तुम छक्का मार रहे थे पहले 20 नंबर तुम छक्का मार रहे थे ये चार क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे और अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है पर इंस्टीट्यूट ने कहा था कि ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस है और सर देखो अगर आपने हमें ये बता दिया ना कि एग्जाम में नहीं आ रहा तो उसके बाद एक करियर के भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना तो हम नहीं देखेंगे हमारा काम है अभी के लिए जल्दी से सी एस बनना तो यही गलती इंस्टीट्यूट आपकी पकड़ता है इसीलिए थर्टीन के सॉरी फिफ्टीन और सिक्सटीन भी आप अपने पोर्शन का पार्ट ही माने फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एस एम ई आई पी ओ वट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी अगेन सो मतलब वट एम ट्राइंग टू से ये पूरे के पूरे बीस नंबर चैप्टर फिफ्टीन और सिक्सटीन से आए हैं पूरे के पूरे बीस नंबर चैप्टर फिफ्टीन और सिक्सटीन से ठीक है तो वी कैन नॉट लीव इट नाउ वट देव डन इज कि अगर तुम्हारी बिल्कुल ही जान निकलती जा रही है तो उन्होंने तुमको ऑल्टरनेट में थोड़ी सी इज्जत वाले क्वेश्चन दिए हैं बट ऐसा नहीं है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है ऐसा नहीं कि इसके अंदर चैप्टर 15 का पार्ट नहीं है बस देव गिवन यू थोड़ी सी इज्जत कि अगर बहुत बुरी तरह से फेल नहीं हो रहा तो ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना ट्स इट सो दिस ब्रिंग्स दस्ट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट पार्ट बी में थर्टीन एंड फोर्टीन जितने इंपॉर्टेंट है फिफ्टीन एंड सिक्सटीन भी इंपॉर्टेंट है बट सर फायदा क्या होता है यह सबसे पहला एग्जाम था तो इंस्टीट्यूट ने जान पूछ के बहुत ज्यादा हिट कर दिया फिफ्टीन सिक्सटीन बट आप उसके बाद वाले आ, जब अटैम्प्ट देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने ज्यादातर थर्टीन और फोर्टीन से ही क्वेश्चन पूछे हैं कोई भी क्वेश्चन फिफ्टीन सिक्सटीन से नहीं आ रहे हैं तो दिस ब्रिंग्स इज टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ये मानिएगा माय प्रेडिक्शन फॉर योर एंटायर बुक शुड बी जब आप अपना पार्ट ए पढ़ रहे होंगे तो ठीक है ये तो सिक्सटी मार्क्स है जिसमें आपने को स्ट्राइव करना ही है माय फोकस फर्स्ट वाज अबाउट पार्ट बी लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस समझे आउट ऑफ फोर्टी मार्क्स आउट ऑफ फोर्टी मार्क्स जो आपके थर्टी मार्क्स होंगे वुड बी फॉर एल ओ डी आर यानी कि योर चैप्टर थर्टीन एंड इंटरनेशनल लिस्टिंग यानी कि चैप्टर फोर्टीन प्लस जो आपके टेन मार्क्स होंगे शुड कम फ्रॉम चैप्टर फिफ्टीन एंड सिक्सटीन दिस शुड बी आर जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस शुड बी आर जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू जहां पर तीस नंबर आपको आपके लिस्टिंग पार्ट में मिलेंगे सर इस एंटायर को खत्म करने में इस एंटायर फोर्टी मार्क्स को खत्म करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर मोर देन ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स दैट इंक्लूड्स योर लेक्चर प्लस आंसर राइटिंग यूनिट ट्वेंटी फाइव लेक्चर्स टू फिनिश ऑप यर पार्ट बी ऑफ फोर्टी मार्क्स दैट्स इट सर इसी के बाद जब आप अपने पार्ट ए पर आते हो दिस Technically requires approximately 70 to 75 lectures. 70 to 75 lectures to finish off your 12 chapters. To finish off your 12 chapters in part A. That includes your answer writing as well. So, all in all, a total portion of 100 lectures, which should be near about in hours to 1. ट्वेंटी फाइव आवर्स टू वन थर्टी आवर्स वुड बी योर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लग फ्रॉम माई एंड वेर एन यू वुड बी गेटिंग टू कलर्ड बुक्स वेर एन यू विलेटिंग टू कलर्ड बुक्स फ्रॉम माई एंड एंड आंसर राइटिंग ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर वेद यू बीन इन ड्राइव वेद यू बी इन लाइव इट्स स्टेज द सेम दैट्स इट ठीक है तो एम आई क्लियर टिल नाउ इन माई फर्स्ट पॉइंट एक बार प्लीज जल्दी से बता देना यहाँ पे कोई दिक्कत आ वी वेल इन टू दिस बुक अब मैं आपको फाइनली आपका एक सिलेबस पोर्शन बनवा के दे देता हूं दैट हाउ डू वी गो अबाउट दिस प्लीज देखिएगा सो कॉर्पोरेट फंडिंग एनलिस्टिंग इन योर पार्ट ए वी हैव Equity and debt. So, chapter one as ICDR, then we have private funding, and then we have non fund based. Chapter five. Perfect. Debt may you have. डेट में कॉरपोरेट डेट गवर्नमेंट डेट एंड नॉन फंड डेट ठीक सर देन यू हैव फॉरेन फंडिंग देन यू हैव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपके पास दो हैं रीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ठीक है सर तो ये आपके सामने कैसा है अच्छा इसके बाद आपके पार्ट ए में है मिसलिनियस मिसलिनियस के अंदर क्या आ गए आपके अदर बोरिंग टूल्स एन सी आर पी एस एंड और क्या गया भाई आपका रीड हो हो गई ना Securitization. That's it. But so this forms your 60 marks. This forms your 60 marks. Sir, how do we go about our portions? How do we go about our portions? We start with this your investment trust. So the first two chapters would be REIT and Infrastructure Investment Trust. The first two would be REIT and Infrastructure Investment Trust. Followed by, we'll jump on to your ICDR. We'll jump on to your आईसीडी आर दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर यू हैवेव ठीक है रीड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा आईसीडीआर होगा फिर हम इसी में एक थोड़े से सूदनिंग चैप्टर की तरफ जाएंगे जो इनका नॉन फंड बेस्ड है जो इनका नॉन फंड बेस्ड है एंड देन योर प्राइवेट फंडिंग सो फर्स्ट वील हिट दिस आप एक्जैक्टली इसका नोट रख सकते हैं फॉलो दिस सेकंड वील हिट दिस एंड देन वील शिफ्ट डाउन टू योर पार्ट बी we'll shift down to your part b wherein first we do international listing followed by indian listing ठीक है इंटरनेशनल लिस्टिंग पहले करेंगे इंडियन लिस्टिंग पहले करेंगे वो अपनी चॉइस होगी उस टाइम पे बट देन वील जंप ऑन टू पार्ट बी देन वील फिनिश दीज टू चैप्टर्स सो दिस वुड बी आर थर्ड पार्ट ठीक है दिस वुड बी आर थर्ड

चैप्टर फिफ्टीन है और सिक्सटीन है वील कीप दम ऑन एनी टू थ्री संडेज वी डोंट नीड मच टाइम ओवर दैट ठीक है उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है जो तो चैप्टर फिफ्टीन और सिक्सटीन होगा वह हम संडेज पर खत्म कर लिया करेंगे बिकॉज आई डोंट बिलीव कि अपने उसको रेगुलर लेक्चर्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है दैट कुड भी डन ऑन योर सनडेज सो दिस इज द प्लान आई होप आई एम रियली क्लियर दैट हाउ वी गन टू गो अबाउट इट हाउ मच टाइम वी गेक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर

एक छोटी सी अमेंडमेंट शीट है बहुत ही छोटी से अमेंडमेंट से कोई ज्यादा नहीं है स्मॉल टॉपिक डिस्कशन दैट हाउ आई टीच इज दी वन प्लीज टेल मी आ वी वेरी क्लियर इफ यू एनी डाउट ऑल आस्क एनी थिंग एंड एवरी थिंग यू वॉन्ट एंड आंसर राइटिंग वुड बी डन आफ्टर एवरी चैप्टर I'm assuming that uh, everyone is now very clear with our methodology. We have a plan completely on track. We're going to follow this. At the same time, when our batch starts, I'll issue you this. So we did this in uh, CS executive. And it was quite a successful thing.

हेड है बिहाइंड है और ये रियल टाइम में आपके सामने ही अपडेट करेंगे आपके सामने चलाई जाएगी सो वट एवर इज डन वी जस्ट ठीक है इंक्लूडिंग अच्छा आंसर राइटिंग को ऐसे 100 में मत गिनना क्योंकि वो उसी टाइम पे एक पंद्रह बीस मिनट का सेशन होता है तो डू नॉट काउंट इट इन योर लेक्चर्स वो अलग से हो जाते हैं आंसर राइटिंग इज नॉट अ लेक्चर लेक्चर शुड बी अराउंड हंड्रेड ठीक है सो so, ऐसी आपको एक शीट जैसी मैं आपका पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ आई एल गिव इट टू यू आई एल गिव इट टू यू इन द सेंस आई एल रन इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ द सेम सर अगर कुछ भी डिले हो रहा होता है कुछ भी दिस कैन नॉट बी जूम्ड इन एल्स आई वुड हैव शोन यू लाइक दिस कि हम लोग कैसे इसको मॉनिटर करते हैं बट अगर आपको न भी दिख रहा हो तो दिस इज ऑल बैच गोइंग प्रायर बैच हम लोग बाईस दिन के सरप्लस पे हैं जो हमने प्लान किया था इनको टोटल मैंने वन थर्टी एट लेक्चर्स अलॉट किए थे एंड वी आर क्वाइट अ हेड ऑफर बैच ऐसे ही आपके टाइम पर भी रह गई तो ये मैंने प्रोफेशनल में कभी नहीं किया था दिस वॉर द फर्स्ट टाइम ये आप लोग के बैच में होगा कमिंग बैक सर समरी बुक भी हुई है यार uh, मैं डोंट वरी विद दैट व्हाट वी डू इज जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब मैं आपको एक पूरी डिटेल बुक बनवा देता हूँ तो अभी से मेरे जी वाले बच्चे हैं तो मतलब वो नफरत करते हैं लिखने से उन्होंने इतना लिख लिया होगा जितना विकास भैया ड्राफ्टिंग में लिखाते है उतना हमने लिख लिया होगा तो वी डू द सेम फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग अब अपन पूरी बना लेंगे बुक इन लेक्चर डोंट वरी विद दैट आपके हाथ की बनी हुई है इट वुड भी वेरी सिंपल फॉर यू टू गो विथ सर मिशन सिर्फ क्लियर करना मत रखना ट्राई टू हिट द हाईस्ट अगेन ट्राई टू हिट द हाईस्ट थोड़ा सा जोर लगाने की बात है Um, i would start my lecture with just a small thought that why do you have this brain and why are you able to dream because there's god who's showing you the dream that what you're capable of doing everyone dreams of what they know what they can achieve of so if you've already dreamt of it start working it's a picture which god has shown you that you can reach so do not worry i wouldn't promise that this is not going to be

You have seen the half picture, the other half would be seen in professional. You would be irritated. There would be lengthy lectures, there would be extra lectures, there would be many things which you have to see. So, not guaranteeing you a very smooth journey, guaranteeing you a short, short journey. That's what my part is. सर जी आर एसी की लाइव क्लास या नो डेयर आई नम नॉट टू टेक जी आर एम सी का लाइव बैच दिस टाइम माई जी आर एम सी करंट बैच इज गोइंग ऑन दिस स्टिल हैव टू चैप्टर स्पेंडिंग तो आई वुडेंट बी एबल टू टेक अनादर आई फैक्ट वॉज नॉट गोइंग टू टेक कॉर्पोरेट फंडिंग इन लिस्टिंग लाइफ दिस टाइम एंड अभी भी इसीलिए मैंने जस्ट स्टार्ट करते हुए बोला कि आई वुड नॉट स्टार्ट डायरेक्टली विद माई सेफ एन एल बैच मैं पहले मेरे सारे

In every batch, I open so many articles in front of the students. Okay. So, I would want to maintain that again. And I want to, you know, to give you the best as well. Hence, for that, I would not be taking uh, GRMCE in the live batch. That's for sure. We would only be taking uh, corporate funding and listing for June 22. And that too from next month. I'm very clear for this now. Right. Coming back. Coming back to...

सो यू वुड बी एबल टू राइट डाउन ओवर है वेरी सिंपली वेरी इजिली तो आपको कहीं पर बुक को हर जगह भरने की जरूरत नहीं है वन सेकेंडली अगर आप देखें जैसे ही आप चैप्टर के एंड पे आएंगे ठीक है आई हैव it एन important पॉइंट नोट वे है तो क्या करना ना फर्स्ट डे पे जब आपकी बुक आए, तो उस पेपर को एक फोल्ड करके रख देना जो भी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ कि यार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बोलूँ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री पहले से डाल के रख देना ठीक है प्रिटी सिंपल डाल के रख देने का बस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू तो पीछे स्पेस है और फ्रंट में स्पेस है या थोड़ा और दोस्त यार नोट्स नहीं रहते ना उसके बाद तो पर्पजफुली कैप्टेड वैसे जनरली ये एम टी स्पेस रह जाती है तो वी जस्ट ट्राई टू यूज इट इन अ डिफरेंट वे जी सरकार अच्छा हर चैप्टर की एक थीम है विच इफ यू आइडेंटिफाई इफ यू सी आपके सामने स्टार्ट करने का टाइम है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपके सामने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात चल रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इफ यू सी मैंने आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर डाली वहां पे आप अगर देख पा रहे हो एम्बेसी एक एम्बेसी करके बना रहा है जो यहां पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से पैसे ले रहे एंड इज इन्वेस्टिंग ओवर इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज और प्रॉब्ली इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज सर मैंने ये थीम क्यों रखी है क्योंकि सर इंडिया की जो सबसे पहली रीड थी जो 2019 में आपने फंक्शनिंग देखी दैट वॉज योर एम्बेसी पार्क आप में से बहुत सारे लोगों ने बात सुनी होगी नाउ सी सर द फर्स्ट एंड द फॉर मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेहर टू अंडरस्टैंड इज जब आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हो सर पचास साल पुराना कंसेप्ट है रिट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट यूएस में कब का आ चुका है फिर कब का आ चुका है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंडिया में बहुत लेट आया इंडिया में बहुत लेट आया सम क्लियर फैक्ट अबाउट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज दैट इंडिया में जब ये आया इंडिया में जब ये आया तो ये अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ओपन भी नहीं था ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के साथ चलता था भाई दो दो लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना तभी आना अपने लोगों के लिए तो था ही नहीं है अपन लोगों के लिए कभी था ही नहीं आपका रीट का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कभी भी अपने लिए नहीं था धीरे 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 इसकी लिमिट्स नीचे आती गई एंड इट गॉट ओपन टू रिटेल इन्वेस्टर्स ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन दिस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो ओपन ओवर द टाइम हुआ है सर पहली बात समझते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करता क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करता क्या है सर देखो बहुत ही सिंपल है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज नथिंग बट जस्ट लाइक फंड, जस्ट लाइक अल फंड जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है और उसके बाद वो अपनी डेजिग्नेटेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करता है जैसे वो पैसा लेता है और वो अपने डेजिग्नेटेड वे में उसे इन्वेस्ट करता है वैसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है और फिर उसको रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है जस्ट लाइक सेम अब नाउ इन इंडिया अगर आप देखें तो जो आपका रीट्स सिस्टम है इन in इंडिया जो आपका रीट सिस्टम है सेबी रिक्वायर्स इंडियन रीट्स टू तो बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड टू मेक एन आई पी ओ टू रेज मनी तो आप समझना इंडिया के अंदर सेबी कंपेल करता है कि रीट पैसा कैसे रेज करती है टू मेक आईपीओ टू रेज मनी जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड रीट्स आर सब्जेक्ट टू थ्री टेयर स्ट्रक्चर रीट में स्ट्रक्चर कैसे चलता है तीन स्पॉन्सर फंड मैनेजमेंट कंपनी एंड देन द लास्ट इज द ट्रस्टी लेट्स टेक टेक एन एन लेट्स टू अंडरस्टैंड दिस थ्री टेयर स्ट्रक्चर अच्छा दोस्त मुझे एक बात बताओ अपने देश में कितनी रीट्स हैं अभी अपने देश में अभी कितनी रीट है एनी वन अपने देश में अभी कितनी रीट है सबसे पहले एमबीसी सबसे पहले आई एमबीसी फिर आई माइंड स्पेस अभी एक और आई बताओ कौन सी वो बी से नाम है चलो ये बता देता हूं बी से नाम है बताओ एनी वन थर्ड रीड कौन सी ऑलमोस्ट डन अबाउट टू एंड नहीं तो इंडिया के अंदर अभी तक तो सिर्फ टोटल तीन ही रीट्स आई हैं सबसे पहली है आपकी एमबीसी पार्क फॉलोड बाय योर माइंड स्पेस एंड देन यू हैव योर ब्रुक फील्ड यू हैव योर ब्रूक फील्ड ब्रूक फील्ड इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ब्रूक फील्ड इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टोटल एंड टोटल तीन है ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ी अपनी एमबीसी पार्क है एमबीसी पार्क अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं मैं हूँ ना आ जाओ सबसे बड़ी और सबसे पहली रीट कौन सी है हमारी एमबीसी पार्क अच्छा आप समझते हैं सर एमबीसी पार्क जो आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है सर इसके स्पॉन्सर कौन है इसके स्पॉन्सर यानी कि इसको बैक किसने किया है इसको बनाया किसने है तो नाउ दिस इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैकस्टोन प्लीज़ लिख लो दिस इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैक स्टोन देखो आई हैव एन आर्टिकल टू शो यू आई थिंक अपन बहुत कट चल रहे हैं आपको आर्टिकल कल दिखा दू बट दिस इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैक स्टोन लिख लो आप आराम से आर्टिकल कल दिखाता हूँ नाउ कम हो तो नाउ सर द फर्स्ट थिंग रीट तीन स्ट्रक्चर पर आती है तीन टीयर से बनती है सबसे पहले होते हैं स्पॉन्सर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द रीट तो दिस एम्बसी पार्क रीट हैज बीन सेटअप बाय ब्लैक स्टोन हैज बीन सेटअप बाय ब्लैक स्टोन ठीक है सर सेकेंड फंड मैनेजमेंट कंपनी पुलकित जे आर एम सी इज आफ्टर टू डेज फर्स्ट इसके डेमो उसके बाद जे आर एम सी के सेकेंड है आपका फंड मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजमेंट कंपनी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एंड ऑपरेटिंग द प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक ए एम सी इन म्यूचुअल फंड जो असेट मैनेजमेंट कंपनी करती है वैसी रीड भी अपनी खुद की फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाती है जो सेलेक्ट करती है कि उन्हें कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है कौन सी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है तो सर सबसे ऊपर होता है स्पॉन्सर जो रीट बनाता है रीट के अंदर जो पैसा आता है रीट के अंदर जो पैसा आता है उसका ध्यान रखता है ट्रस्टी उसका ध्यान कौन रखता है ट्रस्टी सो हु इंश्योर्स दैट द मनी इज मैनेज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स तो जिसका भी पैसा आया है अब ट्रस्टी ध्यान रखता है कि ये जो पैसा हमारे पास आया है वो हम किसके इंटरेस्ट में यूज़ करेंगे वो हम किसके इंटरेस्ट में यूज़ करेंगे ट्रस्टी बोलते हैं हम यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट में इस पैसे को यूज करेंगे एंड आपकी फंड मैनेजमेंट कंपनी सेलेक्ट करती है कि इस पैसे को कहां लगाया जाएगा इस पैसे को कहां लगाया जाएगा आर वी ऑल टुगेदर आर वी ऑल टुगेदर सो नाउ एम्बेसी पार्क स्पॉन्सर्ड बाय ब्लैकस्टोन So it is working in the form of a trust, under trustee, which holds the money and assets of the REIT in the interest of the unit holders and फाइनल लेवल एंड द फाइनल लेवल इज योर फंड मैनेजमेंट कंपनी विथ सेलेक्ट्स द प्रॉपर्टी विथ सेलेक्ट द प्रॉपर्टी अब वी ऑल टूगेदर टिल नाउ विथ सेलेक्ट द प्रॉपर्टी लास्ट थिंग एंड वी डन सर जो प्रॉपर्टीज हैं ना वो मैंने आपके नोट्स में यहां पर डाली है यू कैन इन्वेस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन टू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट यू कैन इन्वेस्ट इन टू कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यू कैन इन्वेस्ट इन टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जैसे अभी अभी रिसेंटली एम बी सी रीट ने पैसा रेज किया था अभी अभी रिसेंटली एम बी सी ने पैसा रेज किया था आई टी पार्क में डालने के लिए ठीक है ले मे श्यू यू दिस यह आर्टिकल अपन रीड कल करेंगे जस्ट टू टेल यू अच्छा एक चीज मेरे को और बताओ ना तुमको क्या लगता है यार ये क्या बहुत रिटर्न अच्छा देते होंगे या एवरेज रिटर्न देते होंगे भाई नेक्स्ट लेवल रिटर्न है इस बार एमबीसी ने हद पार करी है पूरी ये देख लो एम बी सी रीट रेजिस्ट करोड़ वाई क्यू आई पी विच विल बी यूज टू फंड आई टी पार्क एक्विजिशन ये लोग पूरा आई टी पार्क को अक्वायर कर रहे हैं ये लोग पूरे आई टी पार्क को अक्वायर करेंगे एकदम ठीक है कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं कल मैं आपको इसकी इन्वेस्टमेंट कंडीशन के बारे में बताऊंगा कल मैं आपको इसकी इन्वेस्टमेंट कंडीशन के बारे में बताऊंगा जहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि एट्टी परसेंट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन कंप्लीटेड रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज रेंट बोल लो या इनकम जनरेटिंग बोल लो एंड ट्वेंटी परसेंट कैन बी इन यू नो येट नॉट कंप्लीट रिटर्न बहुत शानदार रिटर्न यार इस बार इन लोगों ने जो एमबीसी का इस बार का रिटर्न है वो कुछ सौ करोड़ है इस बार को छो सौ करोड़ जिसमें से उन्होंने 534 करोड़ का डिविडेंड दिया है इस बार इस फर्स्ट क्वार्टर में इन लोगों ने 621 करोड़ प्रॉफिट बनाया एंड 534 करोड़ यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है सो जस्ट इन केस इफ यू मेड वेरी क्लियर कि बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है रीड के अंदर ओके तो आई होप दिस लेक्चर वॉज फ्रूटफुल यू एन्जॉय दिस लेक्चर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इच एंड एवरी कंसेप्ट सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड फर टुडे आई शेल भी लिविंग फर नाउ आई सी यू गैन टू एट फॉर थैंक यू सो मार सेटिंग दिस लेक्चर दिस इज सैनिंग जस्ट फोर टुडे नॉट फॉर एवर आई सी यू गैन इन द नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए हाथ उतरो मुंह उतरो जय जय महाराष्ट्र डू लाइक दिस वीडियो डू शेय दिस वीडियो डू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू फील Do it with this video. Bye. Thank you.